हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को उत्तराखंड के लोग पर्व पौधे की ढेर सारे शुभकामनाएं। और आज मैं बना रही हूँ एक उत्तराखंड स्पेशल साग। तो यहाँ पर मैंने आप देख सकते हो मैंने भिगो रखे हैं सोयाबीन ब्लैक वाले। तो इसका मैं बनाऊंगी आज बटवाणी, जो हमारे यहाँ पे नॉर्मल विंटर टाइम पे खाया जाता है और बहुत ही फेमस है ये। और फटाफट अब मैं रख लेती हूँ इसमें अपने राइस, क्योंकि तो इसमें रख दूंगी मैं राइस। और राइस हमेशा एक कटोरी या आधा कटोरी में से ज़्यादा लगाना चाहिए, ये हमारे बड़े बुजुर्गों ने बोला है कि हर टाइम कोई ना कोई आ ही जाता है। तो ये रख दिया है मैंने दो कटोरी थोड़ा सा। और इसके बाद मैं इसको फटाफट वॉश कर लूँगी। मैं फटाफट इसमें कुकर में चढ़ा दूँगी राइस को और इस पर क्विक वाला ऑन कर दूँगी। अब ये राइस अपना बनता रहेगा। इसके बाद मैं जस्ट फटाफट प्रिपरेशन कर देती हूँ। मैं यहाँ से ले लेती हूँ अपना मिक्सी और इसमें ऐड कर दूँगी फटाफट से अपना ही सोयाबीन। इसको पानी थोड़ा सा हटा दूँगी मैं। ये अच्छे से भीग गए हैं, आप देख सकते हो। काफ़ी ज़्यादा हो गई एक्चुअली। और मिक्स और मुझे लगता है मैं थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी। इसके बाद इसकी लिड प्रॉपर लगनी ज़रूरी है। और नहीं, ये मिक्सी जो है इसको स्टार्ट कर लूँगी। थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है इसमें स्टार्ट करने का, तो जस्ट वेट। अब इस पर ग्रीन लाइट आ गई है, तो अभी और वेट करूँगी मैं थोड़ी देर। तब इसको हल्का सा, तो इसकी ये लेड लग गई है, तो इसमें मैं टाइम सेट कर लूँगी। चाहे पिसा है कि नहीं है, अभी थोड़ा सा और पिसूंगी मैं। इसको फिर से ऑन कर दूंगी, इसको थोड़ा सा हाई कर लेती हूँ। ओके, एक बार फिर से चेक कर लेते हो, आई थिंक हो गया है। अब तो मैं क्विकली निकाल देती हूँ ये वाली कढ़ाई, क्योंकि इस पर लगेगा नहीं तो वो नीचे लग जाता है उस पर फटक से। इसको मैं बंद कर देती हूँ और ये अपनी गैस चालू। ये हो गया मेरी गैस चालू अपना एज। और यहाँ से इसको बनाऊंगी मैं घी में और इनको मैं फटाफट से सिंक में डाल देती हूँ और अभी फिर से चेक करती हूँ। आई थिंक अब तो ये हो ही गया होगा, इसको टर्न ऑफ कर देती हूँ। जैसे ही ऑफ हो जाएगा इसकी लिड खुद ब खुद खुल जाएगी। और ये डन। और ये रेडी हो गया है मेरा बटवाणी को साग खांदे। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ घी, ज़्यादा नहीं ऐड करूँगी इतना बहुत है, ज़्यादा ऑयली खाना वो ठीक नहीं। तो इसमें ऐड करूँगी मैं थोड़ा सा गार्लिक, तो इस गार्लिक को मैं रख देती हूँ 30 सेकेंड के लिए माइक्रोवेव में, ओनली 30 सेकेंड्स, तो जल्दी से पेल हो जाएगा। एंड इसमें डालूँगी मैं थोड़ा सा तो अभी देखना आप लोग, ये बहुत जल्दी ही इजी हो जाता है इसको, मैं कुछ नहीं देखना।
पटक पटक से, तो ज़्यादा नहीं डालूँगी मैं क्योंकि बस इतनी ही डालूँगी मैं। तो वन मोर, और इसको क्विकली इसमें कूट दूँगी मैं ना। चलिए, गार्लिक, जीरा और राई और हल्का सा हींग भी ऐड कर लूँगी मैं थोड़ा सा, और क्योंकि ये दूसरी वाली कढ़ाई है तो इसके लिए दूसरी वाली तो थोड़ा सा awesome। खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है इसकी। एंड तो इसमें ऐड कर दिया मैंने अपना भटवानी का मिक्सचर। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा होगा, बहुत गाढ़ा होगा। एनीवेज, तभी मैंने इसमें सारे मसाले मिक्स कर दिए हैं और थोड़ी देर इनको थोड़ा सा 5-7 मिनट इसको पका दूँगी अच्छे से, नहीं तो इसमें कच्ची स्मेल आ। तब मैं इसमें क्विकली ऐड कर देता हूँ हॉट वाटर। तो मैं थोड़ा सा हरी सब्ज़ी निकाल देती हूँ क्योंकि भटवारी के साथ हरी सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगती है। और इधर से खोल दूँगी मैं ये, क्योंकि ये इस पक्षियाँ ना बहुत ज़्यादा नुकसान कर देती है, तो इसलिए हमने ना ये नेट लगा रखी है यहाँ पे। और देख रहे हो राई, वाह 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 क्या मस्त। ये मैंने पिछले हफ्ते ही तोड़ी थी, एकदम मस्त। और अब थोड़ा सा अभी यहाँ से इतनी निकली, मैं थोड़ा इधर से भी निकाल देती हूँ फिर इसको कुछ दे, थोड़ा यहाँ से भी निकाल ही देती हूँ मैं, थोड़ा मूली के पत्ते भी निकाल देती हूँ। इतनी सारी राई निकाल दी है और ये इनफ है। अब मुझे नहीं पता खाना खाने के लिए कौन कौन लोग आएंगे, तो थोड़ा सा ज़्यादा ही बना देती हूँ मैं। तो सब लोगों बताओ कैसा बना है भटवानी। वाह बहुत ही मस्त है। देवी तू बोल कैसा है। अच्छा दूर भी कैसा है खाना। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।